व्यूअर्स, चीन ने अपने ही मुल्क में एक शख्स में इंसानी तारीख का पहला H10N3 बर्ड फ्लू का केस रिपोर्ट कर दिया है। जी हाँ व्यूअर्स, इस खबर को हम पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चीन ने कोरोना के बाद अपने ही मुल्क में बर्ड फ्लू की एक जानलेवा किस्म H10N3 के बारे में पूरी दुनिया को बाखबर कर दिया है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन NHC ने यह ऐलान मंगल 1 जून 2021 को किया है। चीनी हेल्थ कमीशन की वेबसाइट पर जारी एक बयान के मुताबिक एवी इन्फ्लुएंजा का H10N3 किस्म की बीमारी आमतौर पर परिंदों में हल्की बीमारी का सबब बनता है और आज से पहले इंसानों में इस वायरल इन्फेक्शन का कोई वाकया सामने नहीं आया था, लेकिन 23 अप्रैल को जिनजियांग शहर में एक 41 साल शख्स को बुखार हो गया था, जो अगले दिनों में बढ़ता गया और 28 अप्रैल को वो इलाज के लिए एक मकामी अस्पताल गया था। H10N3 में मुबतला शख्स को पहले हल्का सा बुखार होता है, लेकिन अगर ये बुखार शिद्दत अख्तियार कर जाता है तो वो जानलेवा बन जाता है। व्यूअर्स, इसके मुतालिक मजीद अपडेट्स के लिए हम आपको अपने चैनल से आगाह करते रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि आप बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने फेसबुक पेज ताजी स्टोरी पर भी इस हवाले से पल पल अपडेट्स देते रहेंगे। फेसबुक पर बाखबर रहने के लिए हमारे पेज को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।